टीचर। बच्चों अपन क्या पढ़े थे, पाठ चार। पाठ चार क्या है बच्चों? बृहदीश्वर मंदिर। क्या है? बृहदीश्वर मंदिर। ये मंदिर कहाँ है और किसने बनाया था, अपन आधा पाठ पढ़े थे बच्चों। आज पाठ पूरा पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये कौन से मंदिर के बारे में है? बृहदीश्वर मंदिर के बारे में ये पाठ है। ये कहाँ है? तमिलनाडु के तंजावुर शहर में है वो। और वहाँ की विशेषता क्या है और वे किसने बनाया था, कौन से राजा बनाया था, ये पढ़े थे। यहाँ पर एक बार पढ़ेंगे बच्चों। बाकुरु की मात्रा भू हा, दखवी की मात्रा धी आदर्श जुड़ा हुआ अश्वा रा बृहदीश्वर मंदिर। माकों की मात्रा मन द, दखवी की मात्रा धी रा, क्या हो गया? मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर। फिर से पहले से पढ़ेंगे। देखो बच्चों, ये है बृहदीश्वर मंदिर। यहाँ पर ये मंदिर का चित्र है और मंदिर में क्या 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 है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है बच्चों, ये पाठ चार अपन पढ़ेंगे। भारत मन से मुख से, भारत के प्राचीन देश को क्या भारत को प्राचीन देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर ऐसे पुराने मंदिर है और उसका वो कब बनाए, कौन से राजा बनाए वो लिखा भी है, इसलिए अपने देश को, अपने भारत को प्राचीन देश कहा जाता है। बहुत से पुराने मंदिर है और पुराने इतिहास से अपना भारत देश बना है, इसलिए इसे प्राचीन देश कहते हैं। यहाँ की प्राचीन कलाएं कौन कौन सी है? बहुत से हैं। चांद मीनार, गोलकोंडा, कुतुब मीनार, ये सब अपने भारत के प्राचीन बनावटें हैं। बृहदीश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर शहर में स्थित है। ये मंदिर कहाँ पर है? तंजावुर, तमिलनाडु में तंजावुर बोल के एक शहर है, वहाँ पर है। यह मंदिर तंजावुर प्रिय कोविल के नाम से प्रसिद्ध है। ये मंदिर किसके नाम से प्रसिद्ध है? तंजावुर प्रिय कोविल के नाम से प्रसिद्ध है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व चोला शासक राजा राज चोला चोल प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लगभग 1000 वर्ष, मीन 1000, 1000 बोले तो क्या है, 1000 ईयर्स पुराना मंदिर है। ये चोल के राजा, ऐसे मुगल राजा है ना, मुगल के ऐसे राजा है ना, ऐसे ही यहाँ पर एक राजा, चोल राजा के शासक में राजा राज चोल प्रथम ने ये मंदिर का निर्माण किया था। उसके नाम पर इसे राजा राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। वो राजा चोल राजा प्रथम थे ना, राजा प्रथम, तो उनके नाम से ये मंदिर का नाम क्या लगाया गया है? राजा राजेश्वर मंदिर बोल के लगाया गया है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 66 मीटर है, 66 में 66 ऊंचाई पर, लगभग उतनी मीटर ऊंचाई पर है। यह कावेरी नदी के तट पर स्थित है। ये कहाँ पर, कौन सी नदी पर, नदी के पास है? ये कावेरी की नदी के पास है। इस मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट की बड़ी बड़ी चट्टानों से हुई है, ग्रेनाइट के बड़ी बड़ी चट्टानों से की है। ये पीलेट साल के बनाया नहीं गया है, ये खाली ग्रेनाइट के ऊपर ही ये मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर के बीच में कोई स्तंभ नहीं है, स्तंभ में पिलियर्स, अपन कुछ भी बनाना है तो फोर पिलियर्स, घर बनाना है तो पहले बुनियाद डालते, बाउंड्री घेरते, फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, वो पूरा उसके अंदर अच्छा सा बेसिमेंट भर के उसके बाद पिलियर्स रेस करते ना, ऐसा नहीं, पूरे ग्रेनाइट से ही बनाया गया है। यहाँ पर कोई भी पिलियर नहीं है ये मंदिर में। ये अंदर से पूरी तरह खाली है, ये अंदर से कैसा है, पूरी तरह खाली है। इस मंदिर में पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए किसी सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अभी अपन एक पत्थर को जोड़ना है, एक पत्थर से और एक पत्थर को जोड़ना है, तो उसमें क्या करते हैं, अपन सीमेंट डालते। सीमेंट डालने से क्या होता, दो पत्थर भी जॉइंट हो जाते। अब एक पेपर फट गया तो उसको चिपकाने के लिए अपन क्या करते, बीच में गम लगाते या टेप लगाते, वो पेपर चिपक जाता। लेकिन ऐसे घर बनाते, जब भी एक ईंट लगाने के बाद दूसरा ईंट लगाने से बीच में क्या करते, मिस्त्री लोग सीमेंट डालते या कुछ लिक्विड डालते वो घट रहने के लिए ऐसा। लेकिन यहाँ पर ऐसी सामग्री इस्तेमाल नहीं की गई है, ऐसी सामग्री नहीं ली गई है। यह पूरी तरह से इंटरलॉकिंग पद्धति से बनाया है, ये पूरी
पूरी तरह इंटरलॉकिंग सिस्टम। इंटरलॉकिंग सिस्टम में बोले तो मालूम है आपको, एक पत्थर है ये ऐसे यू शेप का है, ऐसा ही पत्थर ये इसमें बैठने का पत्थर, ऐसा ही पत्थर एक आपको क्या करते हैं सेम पत्थर ऐसा ही उसको ज्वाइन कर देते, उसको क्या कहते हैं इंटरलॉकिंग पद्धति। इस मंदिर की प्रमुख विशेषता है कि इसके गुम्बद की परछाई धरती पर नहीं पड़ती। इसकी गुम्बद की परछाई, अब मैं हूँ मेरी परछाई जमीन पर गिरती ना, हाँ मैं चल रही तो अगर धूप में चलो या लाइट ऑन करो आप तो उजाले में चलो तो मेरी परछाई क्या होती, अब मैं आपको ऐसा दिखा रही तो मेरे हाथ की परछाई बोर्ड पर दिखाई दे रही ना, शैडो ऐसा दिखाई दे रही ना, तो इसको परछाई बोलते। तो ये परछाई यहाँ पर दिखाई दे रही लेकिन मंदिर की परछाई धरती पर नहीं दिखाई देती। देखो आप वहाँ जबकि कलाकार कैसे थे, उसकी परछाई धरती पर नहीं गिरती बोले तो वो लोग कैसे बनाए होंगे, आप वहाँ पर जाने के बाद देखें तो आपको मालूम होगा कि वो मंदिर की विशेषता क्या है। भव्य शिवलिंग और नंदी जी की प्रतिमा देख कर इस मंदिर का नाम सार्थक प्रतीत होता है। वहाँ पर किस कौन से भगवान की मंदिर है, शिवलिंग की मंदिर है। क्या है, शिवजी, शिवजी मालूम है, शिवलिंग में मालूम है ना आपको, लिंग देखे आप शिवजी के पास, आप शिवालय जाते हैं ना वहाँ पर लिंग की पूजा होती, तो वहाँ यहाँ पर क्या है शिवजी की लिंग है वहाँ पर। और नंदी जी की, शिवजी के मंदिर में किसकी मूर्ति भी रहती, नंदी जी की भी मूर्ति रहती। देखो यहाँ पर नंदी जी दिखाई दे रहे आपको, हाँ तो ये है नंदी जी, आपको शिवलिंग की भी मूर्ति, शिवलिंग जहाँ पर शिव जी की मंदिर है वहां पर कंपलसरी आपको नंदी जी की मूर्ति दिखाई देगी। तो ये दो मंदिरों की प्रतिमा देखकर, इन लोगों की मूर्ति देखकर, हाँ यहाँ पर सही में भगवान है यहाँ पर बोल के ऐसे अपने को महसूस सार्थक प्रतीत होता है। शिवलिंग तीन मीटर और नंदी जी की प्रतिमा 6 मीटर लंबी है। शिव जी की कितने मीटर लंबी है, शिव जी की मूर्ति, शिव जी का लिंग कितना है 3 मीटर लंबी है, और नंदी की मूर्ति कितने मीटर है 6 मीटर लंबी है। इनका निर्माण एक एक पत्थर से ही हुआ है, एक पत्थर जो 3 मीटर का पत्थर होता है उसका वो पत्थर से ही ये शिवलिंग बनाया गया है, जो 6 मीटर का एक ही पत्थर होता है उसमें नंदी जी की प्रतिमा बनाई गई है। तो एक ही पत्थर दो अलग अलग पत्थरों से नहीं किया गया है, एक ही पत्थर से किया गया है। तो ये मंदिर वस्तुकला एवं चित्रकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, यहाँ पर उत्कृष्ट उदाहरण है कि देखने से बहुत अपने को अच्छा दिखता, हाँ यहाँ पर कितना अच्छा बनाया गया मंदिर बोल के अपन समझ सकते। देखो यहाँ पर सितंबर 2010 में इसके हजारवें वर्ष स्थापना दिवस पर भारत सरकार ने एक डॉक टिकट 5 रुपए का सिक्का तथा 1000 रुपए का नोट जारी किया। ये मंदिर के जो वहाँ पर तमिलनाडु में जो राजा है और क्या करे, मंदिर के 1000वें वर्ष पर 1000 वर्ष हो गए तो ये मंदिर बनवा कर, तो उसके लिए ये लोग क्या करे वहाँ पर इन लोगों के सिक्के पर तंजावुर प्रिय कोविल वहाँ पर वहाँ की मंदिर, देखो वहाँ का मंदिर सिक्के के ऊपर वहाँ का मंदिर का निर्माण किया। एक डॉक टिकट में लेटर पर भी तंजावुर यहाँ पर बृहदीश्वर मंदिर का चित्र बनाया। 5 रुपए का नोट तथा 1000 रुपए का नोट जारी किया। ऐसे पैसे भी आपको कॉइन्स सिक्के पर भी तंजावुर प्रिय कोविल के बारे में यहाँ पर वो मंदिर का छपी ये नोटों पर छपाया गया है। इस अवसर पर यूनेस्को ने द ग्रेट चोला टेम्पल के नाम से संरक्षित स्मारकों की सूची में इसे शामिल किया गया है, जो प्राचीन बहुत पुराने चोला के टेम्पल्स है उसमें द ग्रेट चोला टेम्पल बोल के वो एक बुक में, ये एक बुक में ये बहुत पुरानी मंदिर है बोल के उसके अंदर ये मंदिर के बारे में छपाया गया है। तो ये है बृहदीश्वर मंदिर की विशेषता। क्या है ये सब, बृहदीश्वर मंदिर की विशेषता। ये पार्ट आपको समझ में आया होगा बच्चों, अगर समझ में नहीं आया तो फिर भी आप मेरे को जूम क्लास में पूछ सकते, मैं उसको आपका आंसर दूंगी। ठीक है, ये पार्ट के कठिन शब्द क्या है, ये पार्ट के कठिन शब्द क्या है,
यहाँ पर कठिन शब्द देखो बृहदीश्वर, पहला क्या है बृह, शिवजी को बृहदीश्वर भी कहते हैं बृहदीश्वर। दूसरा प्रसिद्ध, प्रसिद्ध बोले तो क्या है फेमस, प्रसिद्ध क्या है फेमस। नंबर तीन निर्माण, निर्माण। नंबर चार ग्रेनेड, नंबर पांच सामग्री, नंबर छह प्रतिमा, नंबर सात पत्थर, नंबर आठ चट्टान, नंबर नौ संरक्षित। नंबर नौ क्या है संरक्षित। नंबर दस स्मारक, नंबर दस क्या है स्मारक, क्या है स्मारक। ये पाठ के कठिन शब्द है, तो पाठ के कठिन शब्द देखो बृहदीश्वर, प्रसिद्ध, निर्माण, ग्रेनेड, सामग्री, प्रतिमा, पत्थर, चट्टान, संरक्षित और स्मारक। आपको थोड़े ऐसे शब्द बताती बच्चों हिंदी में, हिंदी में शब्द है और हिंदी में ही शब्द आते हैं। मंदिर, मंदिर क्या है हिंदुओं का पूजा का स्थान, मंदिर क्या है हिंदुओं का पूजा का स्थान। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध यहाँ पर आपको है प्रसिद्ध, हाँ प्रसिद्ध क्या है मशहूर फेमस, प्रसिद्ध क्या है मशहूर फेमस। चट्टान, चट्टान किसको कहते हैं पहाड़ों का बड़ा टुकड़ा, चट्टान किसे कहते हैं जो बड़े बड़े पहाड़ रहते हैं उसका एक टुकड़ा, उसको क्या कहते हैं चट्टान कहते हैं। पद्धति, पद्धति क्या है तरीका, पद्धति क्या है तरीका, पद्धति बोले तो तरीका सिस्टम। और प्रतिमा, प्रतिमा आइडल मूर्ति क्या है मूर्ति। अभी मैं आप कौन से भी भगवान को ऐसा ही बोलाते उनकी मूर्ति देखते आप, ये शिव जी है, ये गणेश जी है, या किशन जी है, ये माता है, कौन है, आप उनकी मूर्ति देखकर आप पहचानते ना, ऐसा ही प्रतिमा रूप। उत्कृष्ट, बहुत बढ़िया, उत्कृष्ट में बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और नेक्स्ट संरक्षित, आरक्षित, संरक्षित में आरक्षित। स्थित, स्थापित, स्थित क्या है स्थापित। नेक्स्ट निर्माण, बनाना, निर्माण क्या है बनाना। स्तंभ, खंबा, स्तंभ क्या है खंबा। और परछाई, परछाई क्या है छाया, परछाई क्या है छाया। सार्थक, अर्थवान क्या है सार्थक, अर्थवान। सिक्का, मान की कृत धातु का टुकड़ा, तो एक ऐसे धातु, धातु मालूम है आपको, अपने पास 5 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का है, उसे धातुओं से बनाते हैं, जैसे तांबा लोहा ये सब रहते ना उसको धातुओं कहते हैं। स्मरक क्या है स्मृति चिन्ह, स्मरक क्या है स्मृति चिन्ह, यादगार चिन्ह, ये हिंदी के शब्दार्थ हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कठिन शब्द पाठ और कठिन शब्द आपको पढ़ना है बच्चों। धन्यवाद बच्चों, फिर अगली कक्षा में अपन शब्दार्थ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।